हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो से अपने वीडियो में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा वीडियो ख़त्म होने वाला है और यहाँ पे मैं अपने वीडियो में एंड स्क्रीन लगाऊँ। दोस्तों तो कैसे आप अपने वीडियो में एंड स्क्रीन लगा सकते हैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको जो सो यूट्यूब से अगर आप वीडियो अपलोड करते हैं तो दोस्तों आप जो सो ये एंड स्क्रीन नहीं लगेगा आपके यूट्यूब ऐप से। तो दोस्तों उसके लिए आपको जाना होगा क्रोम ब्राउज़र में। तो यहाँ से चलिए मैं यूट्यूब क्रोम ब्राउज़र में चल जाता हूँ दोस्त। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है youtube.com लिख के सर्च करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको डेस्कटॉप साइड यहाँ से ऑन कर लेना है। डेस्कटॉप साइड को ऑन करने के बाद दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये लैपटॉप पीसी की तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको राइट साइड में सबसे ऊपर दिखेगा आपको चैनल का लोगो, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दूसरा नंबर पे दिखेगा आवर चैनल पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आवर चैनल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चैनल कस्टमाइजेशन, आपको यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये YT स्टूडियो के बीटा वर्जन में लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ सेकेंड वेट करना होगा। वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आ चुका है। उसके बाद आपको जूम इन करना है दोस्तों। जूम इन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको वीडियो पे यहाँ पे क्लिक करना है, कंटेंट पे दूसरा नंबर डेस्कटॉप के बाद वीडियो कंटेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है यहाँ पे आज ही के दिन में दोस्तों 31 अगस्त को। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी तक वीडियो पब्लिश नहीं किया है। तो इस वीडियो में मैं लगा के दिखाने वाला हूँ। तो आप मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एंड स्क्रीन और यहाँ पे कार्ड, आप कार्ड भी लगा सकते हैं एंड स्क्रीन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ पेंसिल के आइकन पे। पेंसिल के आइकन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मैं, अगर आप इस तरह का लोगो आप लगाना चाहते हैं एंड स्क्रीन अपने चैनल पर, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे भी लगा सकते हैं और यहाँ पे एक अब दूसरा तरह के से भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लगा चुका है और आप यहाँ से वीडियो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो कोई भी वीडियो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं कोई वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आ चुका है यहाँ पे वीडियो मेरा, और यहाँ पे मेरा प्लेलिस्ट आया है दोस्तों। तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं और आपको यहाँ पे बीच में दोस्तों आपको चैनल का लोगो दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेट हो जाने के बाद दोस्तों आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेव हो चुका है। और यहाँ पे मेरा लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे एंड स्क्रीन लग चुका है यहाँ पे। तो दोस्तों आप इसी तरह जो सो आप एंड स्क्रीन लगा सकते हैं अपनी वीडियो में। तो दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही